वंदे शिवम शंकर हर महादेव। भगवान शिव की विशेष कृपा कि कहाँ MP मध्य प्रदेश और कहाँ UP बनारस, पर प्रभु की कृपा रही कि पुरुषोत्तम मास के श्रावण माह में काशी का वास, गंगा का स्नान, भगवान शिव का अर्चन और शिव चरित्र चिंतन का जो एक अवसर बना, ये भगवान की बड़ी कृपा रही। उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि ये अवसर जीवन में बड़े दुर्लभ होते हैं। जिस समय भगवत भक्ति का एक अवसर जीव को प्राप्त होता है, तो यदि ये अवसर हमें मिला तो उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि अकेला नहीं, जो भी जीव इस अवसर पर आकर काशी में शिव चरित्र चिंतन को सुने या उसे श्रवण करे, तो मैं समझता हूँ ये जीवन के लिए परम सौभाग्य का विषय है और मुक्ति और मोक्ष को देने वाला, और काशी की धरा वैसे ही मुक्ति को देने वाली। इस मोक्षदायिनी मुक्तिदायिनी काशी में आकर के इस कथा शिव चरित्र को सुनने का उद्देश्य कि जीवन आनंदित हो और जीवन के बाद जो यात्रा है जीवन की, वह भी परमात्मा की कृपा से आनंदित होकर के और परमात्मा भगवान सदाशिव के चरणों की तरफ चली जाए। इस विचारधारा के साथ ही सभी भक्त, हम लगभग 200 भक्त पधारे हैं, अन्य अन्य क्षेत्रों से, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई राजस्थान से है, कोई UP से भी है, अलग अलग क्षेत्रों से, और सभी का भाव एक ही है, शिव भक्ति शिव। अच्छा, ये आप बताएं प्रभु कि पुरुषोत्तम माह क्यों कहा जाता है? देखिए, पुरुषोत्तम इसलिए है कि ज्योतिष की गणना का यदि हम अनुमान जो गणना करते हैं, तो ज्योतिष कहता है कि सूर्य चंद्र जो चलते हैं अपनी अंश कलाओं से, तो एक समय ऐसा आता है प्रति 3 वर्ष में कि जब सूर्य चंद्र की जो कलाएँ होती हैं उसमें जब अंतर बनता है, तो वो अंतर जो है बढ़ते 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 3 वर्ष में एक महानिर्माण हो जाता है, जिसे हम मलमास कहते हैं, जिसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो ये जो मास है ये 12 महीनों से अलग है, क्योंकि ये सूर्य और चंद्र की चलने की गति की कलाओं में परिवर्तन आने से, परंतु इस मास को मलमास कहने के कारण मलमास क्योंकि दूषित हुआ, अलग हुआ, तो नारायण से इस मास ने प्रार्थना की कि प्रभु ये जो महीना है ये आपने मलमास तो हो गया, तो लोग तो मुझे अपमानित कर रहे हैं, लोग मुझे सबका समझ ही नहीं रहे हैं, मेरी कीमत ही नहीं कर रहे हैं, सारे नियम धर्म संयम सब इसमें कहा है मलमास विषय। तो जब मलमास पहुंचा भगवान नारायण की शरण में, तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना